फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल चैनल आप सभी को आपके अपने पर स्वागत है और फाइनली जो है आपके एस के एडमिट कार्ड आ गए हैं और कंप्यूटर uh, साइंस के एग्जाम डेट भी पता चल गई है कि 18 18 uh, जो है है uh, दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो आज 10 दिसंबर हो गई है तो अगर देखा जाए तो 11 12 तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह तो पूरे अगर हम एटीन को तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन तो आप एग्जाम देने जाओगे तो पूरा पूरा आपके पास सीधे सीधे आठ दिन है ना मतलब अब की बार एस्टेट मोस्टली मोस्टली क्या बहुत सारे सभी को ऐसा लग रहा था कि स्टेट जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होगा एटीन और नाइनटीन को नहीं होगा लेकिन ये हरियाणा है हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है तो वही अब की बार हरियाणा ने कुछ मतलब अलग ही कर दिया मतलब सभी को लग रहा था कि जो एग्जाम है वो डेफिनेटली पोस्टपोन होगा आगे जाएगा वही दिसंबर के एंड और जनवरी के जो फर्स्ट वीक में हमेशा जो लास्ट टाइम से होता है वही आपका एग्जाम होगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मतलब अनप्रडिक्टेबल था कल मैंने जब न्यूज़ सुनी कि हाँ फाइनली हो, आने वाला है तो आ, मुझे भी नहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम आएगा तभी मैंने कोर्स भी स्टार्ट नहीं किया था कि सोचा था कि आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे एक डेट आ जाएगी तो आ, बहुत सारी चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हो गई है तो आ, लेकिन हाँ अगर आप भी पढ़ाई शुरू कर दी थी तो बहुत ही अच्छी बात थी और आप भी ऐसे ही सोच रहे थे कि एग्जाम डेट एक स्टैंड होगी हम आराम से पढ़ेंगे तो अब जो है थोड़ा सा जो लीनियंट आपने दिखाया है कि नहीं अब बाद में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए अब अच्छे से करना है और मैंने भी अब जो है कुछ अलग करने का सोचा है आपकी बार कि कुछ जो कम टाइम जो आपके लोग आप लोगों के लिए मिला है इसमें हम कुछ अच्छा करेंगे कुछ अच्छा अचीव अच्छा करेंगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे अच्छी थोड़ी लेंदी लेंदी क्लासेस करेंगे ताकि जो है सिलेबस को हम कंप्लीट करें और सारी चीजों को हम जो है अच्छे से मैनेज कर पाए ठीक है तो वही था एडमिट कार्ड आ गए हैं भाई अपना डाउनलोड कर लीजिए और फाइनली जो है एग्जाम डेट भी आ गई है एटीन तारीख को है नाइनटीन को भी नहीं है एक दिन और मिल जाता तो पर चलो क्या कर सकते हैं जहाँ अठारह जहाँ उन्नीस जहां उन्नीस को दिन था वहीं अठारह को दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो करते हैं डोंट वरी अब हम जो द, द, दस दिन का क्रैश कोर्स है इसको डेली बेसिस पे करते हैं आठ दिन है और एक दिन की क्लास हो गई है तो एक दिन में आपके दो तीन दो द, दो क्लास तो हमें देनी पड़ेगी ठीक है तभी तो आपका सिलेबस होगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा और एग्जाम से पहले खत्म करना पड़ेगा और प्रीवियस ये पेपर्स भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे तो मैराथन क्लासेस लगने वाली हैं तो रेडी हैं आप इतना सारा पढ़ने के लिए और मैं भी रेडी हूँ पढ़ाने के लिए ठीक है मज़ा आएगा कम तो टाइम में ज़्यादा पढ़ना और देखते हैं कि जो है एग्ज़ाम कैसा रहता है क्या क्या आने वाला है क्या नहीं आएगा तो सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे ठीक है अब देखो ज्यादा बातें बातें करने का तो टाइम है नहीं और ज्यादा बातें करने का वो भी नहीं है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए कहीं पर भी वेस्ट मत कीजिए कहीं पर भी किसी की बातें सुन के कि हाँ ऐसा कर लो ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा नहीं भी पढ़ोगे तभी होगा विदाउट बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है तो अपना बेस्ट दो पढ़ने के लिए ठीक है अपना हंड्रेड दो पढ़ाई में जितना बेस्ट दे सकते हो जितना बेस्ट कर सकते हो उतना जो है अपनी चीजों को अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने में लगाओ लास्ट टाइम है तो ज्यादा पढ़ने की बजाय उन चीजों पे फोकस करो जो लास्ट टाइम से बार 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 जो है से क्वेश्चन आ रहा है उन चीजों पे फोकस करो कॉमन पार्ट में ट्राई करो कि एटलीस्ट फिफ्टी तक ले आओ और चालीस से पैंतालीस पचास तक की हाँ कंप्यूटर साइंस मेरा है वो मैं करवा दूंगी ठीक है उसकी आप टेंशन मत लो जितना मैंने करवाया उसके ऊपर अगर चलते हो तो फोर्टी से प्लस डेफिनेटली है कि आएंगे ठीक है तो कंप्यूटर वाले पोर्शन को मेरे पास रहने तो कॉमन वाले की आप जो है फिफ्टी तक ले ले लो फोर्टी तक जो है कंप्यूटर की मेरी वो है जितनी अगर आपने दस क्लासेज भी देख ली तो डेफिनेटली जो है आपके फोर्टी मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ठीक है तो यही पर करते हैं क्लास को बाइंड अप ज्यादा चिट टच जैसा मैंने कहा टाइम नहीं है <laughs> किसी के पास भी नहीं है ठीक है तो Uh, करते हैं यहाँ पे क्लास क्लास को बाइंड अप ठीक है लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो टेन डेज क्रैश कोर्स आया है उसके रिगार्डिंग मुझे ज़रूर अपडेट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है अच्छा लगा बुरा लगा ऐसा भी लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ठीक है ताकि हम जो है आगे जो नाइन्थ uh, क्लासेज और बची हैं उनमें हम थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और चेंजेस होने चाहिए तो भी आप बता सकते हो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बताया करो ताकि जो है इम्प्रूवमेंट हो सके इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर बार है ना तो बता देना और ठीक है और हाँ बता देना टेन डेज क्रैश कोर्स कैसा लगा तो लाइक शेयर और वो वाला टेन डेज क्रैश कोर्स डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं अपडेट के साथ तब तक बाय टेक केयर थैंक यू